सर्दी का मौसम है, चलिए हम आपको एक आसान से तरीके से टोपी बनाना सिखाते हैं। इस टोपी को बनाने के लिए हमने 120 फंदे लिए हैं और एक चार फिंगर्स की विड्थ का बॉर्डर बना लिया है, दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे बुनते हुए। और इतना बॉर्डर बनाने के बाद हमने इसको लगभग एक हाथ की लंबाई, ये देखें, इतना हमने ऐसे सीधा ही बुना है। इसमें थोड़ा पर्पल कलर ऐड कर दिया है ताकि थोड़ी खूबसूरत लगे। और ये इतनी टोपी की लंबाई बुनने के बाद हमने यहाँ पर फंदों को घटाना शुरू किया है। दो फंदे का एक बनाते बनाते हमने सीधी सिलाई में ये पूरी सिलाई बुन ली। उल्टी सिलाई को हमने ऐसे ही बुना है। अगली सीधी सिलाई में फिर हमने दो फंदों का एक करते करते धीरे धीरे ये सारे फंदे घटा लिए हैं। और आखिर में यहाँ पर 10-15 फंदे जब बच गए, आप ये देखें, 120 फंदे से शुरू किया और आखिर में 15 फंदे बच गए। तो उनको हमने बुना नहीं है, उनको हमने ऐसे ही सुई में धागा डाल के पिरो लिया और गांठ लगा के सिक्योर कर लिया है। अच्छे से गांठ लगानी है और फिर इन दोनों एजेस को पास लाकर इन एजेस को आपस में स्टिच कर लिया है। आप ध्यान से देखें तो आप ये स्टिच लाइन देख पाएंगे और नीचे बॉर्डर तक इसको सिल लिया है। बस इतना ही है इस टोपी में। आप बनाइए और फिर देखिए, किसी को गिफ्ट कीजिए तो कितना खुश होंगे सब लोग। आप खुद भी यूज़ करें और हमें इसका फीडबैक